एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारा लेमिनेटर है, गोल्ड लेमिनेटर, जो आपने बहुत से हमारे वीडियोस में देखा भी होगा। ये लेमिनेटर जो हमारे काम आता है वो है गोल्ड लेमिनेशन करने के लिए काम आता है। जैसे जो हमारी पहले लेमिनेशन जो चलती थी वो केमिकल से चलती थी, उसमें करने के लिए उस लेमिनेशन को हमें प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत काफ़ी टाइम कंज्यूम करना पड़ता था। बट अकॉर्डिंग टू टाइम अब हमारा क्या हो चुका है कि अब हम यूज जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो कोल्ड लेमिनेशन कर रहे हैं। कोल्ड लेमिनेशन करने में हमारा बहुत कम समय लगता है और उसमें एक अच्छी क्वालिटी भी, एक ग्लोसी चमक भी उसमें निकल के आती है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारी लेमिनेटर है। आज हम अपनी जो मेंटेनेंस वीडियो बनाएंगे अपनी लेमिनेटर की, इसको एक बार मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें खराबियां आ सकती है वो मैं आपको एक बार क्लीन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। सो फाइनली इसके लिए जो हमें टूल्स चाहिए वो हमें कुछ प्लायर चाहिए और कुछ ये जो स्क्रू ड्राइवर है वो चाहिए। सो जल्दी से मैं एक बार इसको एक साइड, सिंगल साइड को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। सो इस साइड में हमारे वोल्ट लगे हुए हैं, ये 3 वोल्ट्स हैं हमारे। मैं इनको एक बार लूज कर लेता हूँ। पहले हमें सभी वोल्ट्स को लूज करना रहेगा। ये हमारे वोल्ट्स, क्योंकि जो हमारा लेमिनेटर है उसको रखे रखे डस्टिंग भी है इसमें चली जाती है, काफ़ी डस्टिंग का भी इसको सामना करना पड़ता है। मैं अपनी मशीन को 10 से 15 दिन में एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बेस है। जैसे ही मैं इसको टाइट करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा, और अगर मैं इसको लूज करूंगा, ये देखिए ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये देखिए अभी ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है। ये वाली जो प्रोसेस है, ये देखिए ये इधर की साइड है। ये हमारे लेमिनेटर का हैवी होना चाहिए। कुछ भाई क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में ये वाली चीज को हल्के में ले लेते हैं। सो ये देखिए, ये हमारा काफी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। मैं इसको जैसे ही और भी लूज करता हूँ, देखिए अभी ये आप देख रहे हैं ये ज्यादा मुसा हुआ है, जैसे कि अंदर की तरफ धसा हुआ है। अब मैं इसको जैसे ऊपर ऊपर करूंगा, ये देखिए कंप्लीट एक लाइन तक ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये कंप्लीट ऊपर तक आ चुका है। अगर ऐसे ये नीचे तक भी चला जाएगा। ये देखिए इधर की साइड दिखाएं एक बार। ये देखिए हमारा रोलर है, ये कितना थिकनेस, ये कितना ऊपर तक जा चुका है। अब हम इसको वैसे ही नीचे की तरफ करेंगे जहाँ पे हमारा रोलर नॉर्मल। तो अभी देखिए ये हम इसको एक बार, ये जो हमारा मुड़ा हुआ एरिया था इसको हम सीधा करेंगे वापस से। सो मैं प्लायर का यूज़ करूँगा। प्लायर के यूज़ के बाद मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा, क्योंकि ये जो मुसा हुआ था या जो टेढ़ा था, ये नीचे की तरफ सपोर्ट हमने करते हैं तो टाइट करते हैं तो ही था। ये देखिए अभी अपना प्लायर प्रॉपर हो चुका है, और अभी जैसे ही इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये नीचे वाली जो शीट है जो हमारी मुसी हुई थी वो देखिए अभी वापस से ऊपर की तरफ आनी स्टार्ट हो गई, प्रॉपर हो गई है। सो देखिए अब मैं वापस से इसको नीचे कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेंटेनेंस है एक टाइप की अपनी, कैसे करें हम। ये अपनी देखो नीचे जा रहा है रोलर, ये कंप्लीट नीचे जा रही है शीट। ये जैसे ही हम इसको कसेंगे तो ये फिर से देखो, ये फिर से अपनी टाइट हो जाएगी। ये देखिए प्लीज़, ये ऐसे ही हम इसको मेंटेनेंस करेंगे अपने रोलर को। इसमें जो डस्टिंग होगी वो हमें साफ करनी है। डस्टिंग साफ करने के लिए हम कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज एयर का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह हम मशीन में करते ही रहते हैं, प्रॉपर हो जाएगी अपनी मशीन। जितनी भी देखभाल करोगे प्रोडक्ट अपना ही होता है, उसकी केयर करनी चाहिए। सो वापस से हम अपनी जो लेमिनेटर है उसको वापस से उसके वोल्ट लगा देंगे।
सो 1 वोल्ट हमारा लग चुका है एज इट इज। सेकेंड वोल्ट भी हम लगा देते हैं। सो हमारे सभी वोल्ट अच्छे से टाइट हो चुके हैं। सो अभी जो हमारा सेकंड पार्ट होता है कि ये वाली जो साइड है, सेकंड साइड है हमारी, इसको भी हमें ऐसे ही क्लीन करनी है। और जो हमारा ये वाला रोलर है, ये रबड़ का रोलर होता है, ये जो आप देख रहे हैं जो रोटेट होता है, ये रबड़ से बना हुआ होता है, इसको भी हमें जो क्लीन करना है वो अपनी क्लीनिंग किट है। ये आप इजीली किसी भी शॉप से आप परचेज कर सकते हो। इससे हम इसको क्लीन करेंगे। सबसे पहले इसको हल्का सा गीला करेंगे। ये कोरलिन वगैरह आती है या फिर कोई भी आप इसमें सरप इसके अंदर डाल सकते हो या कोई भी शैम्पू इसके साथ यूज कर सकते हो। और इसके साथ ही आप कोई भी कपड़ा होगा, नीट एंड क्लीन कपड़ा आप इसके साथ यूज कर सकते हो। अपने इस रोलर पे कई बार क्या होता है कि अपना फेविकोल या फिर कोई भी अपनी गमिंग शीट जिससे जो हम इस रोलर से लगाते हैं वो कई बार इसके ऊपर चिपक जाती है और बार बार इसको घुमाने से फिर वो अपनी रबड़ कटने लग जाती है। जो हमारी ये रबड़ होती है ये कटने लग जाती है। सो इसके लिए हमें ये साफ करनी पड़ती है। सो इसको काफ़ी अच्छे से साफ कीजिए ताकि इसके अंदर कोई ग्लू पार्टिकल या जैसे कोई भी डस्ट ना रहे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप साफ करोगे और अपनी मशीनों की केयर करोगे तो लगभग ये आपकी मशीन काफी लंबे टाइम तक चलेंगी। बट कई भाई क्या होते हैं कि इसके अच्छे से केयर नहीं करते, इसको रफ एंड टफ यूज करते हैं, फिर बाद में कंप्लेंट निकालते हैं कि हमको मशीन अच्छी नहीं मिली, हमको डीलर अच्छा नहीं था, वो हमारे पैसे खा गया। सो प्लीज़ आप अपनी मशीन को प्रॉपर चेक करते रहें और उसके प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहें। आप प्रॉपर जैसे ही मेंटेनेंस करोगे आपकी मशीन दोबारा से ठीक हो जाएगी। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।